प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सोलन के कंडाघाट में भी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। यह व्यवस्था न तो सोलन शहर के व्यापारियों को भा रही है और न ही कंडाघाट के व्यवसायियों को। सभी व्यापारी मान रहे हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू के नियम बहुत ही बचकाने हैं, जिसकी वजह से न तो व्यवसायी व्यवसाय कर पा रहे हैं और न ही कोरोना पर ठीक से नियंत्रण हो पा रहा है। साफ स्पष्ट टिप्पणी करते हुए व्यापारियों ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू की इस व्यवस्था से कोई लाभ होने वाला नहीं है, इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। कंडाघाट के व्यवसायी अजय कुमार ने बताया कि जो कोरोना कर्फ्यू प्रदेश सरकार द्वारा लगाया है वह प्रदेश की जनता और व्यवसायियों के साथ भद्दा मजाक है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को बाजार खोलने की अनुमति दी गई है और जनता को कह दिया गया है कि घरों से निकलना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, जिसमें समयबद्ध तरीके से कुछ समय के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवसायी मंदी के दौर से गुजर रहा है, बैंक इंटरेस्ट और किसी भी तरह के टैक्स से प्रदेश सरकार राहत नहीं दे रही है, ऊपर से कोरोना कर्फ्यू ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, घर चलाना भी मुश्किल हो चला है, ऊपर से सरकार द्वारा कोरोना को नियंत्रण करने के लिए चलाई जा रही व्यवस्था बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। जी, मुझे तो ये आम जनता के साथ एक भद्दा मजाक लग रहा है, क्योंकि जो है सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जैसे धारा 144 लगाई है कोरोना कर्फ्यू में, और लोगों को बाहर निकलने पर जो है वो बंदिशें लगाई हैं, तो ग्राहक तो पहले ही बाज़ार में नहीं है। सरकार को चाहिए था कि वो सिर्फ 2 से 3 घंटे जो है वो दुकानें खुली रखती, और उसके अलावा जो है सारे जितने भी दुकानदार हैं उनको कहा जाता कि आप 2 से 3 घंटे 9 से 12 दुकान खोलेंगे और उसके बाद आप बंद कर देंगे। वो जो है, क्योंकि कोरोना जो है, मुझे नहीं लगता कि इससे जो है किसी तरीके से जो है कोरोना काबू में आएगा, और मुझे लग रहा है कि सरकार ने जो है सिर्फ ये देखने के लिए जो है इस तरह का ये जो कोरोना कर्फ्यू के धारा 144 लगाई है, इसमें जल्दी से बहुत ही जल्दी शायद संशोधन सरकार जो है करे। 90% दुकानें जो हैं बाज़ार में खुली हैं, और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं और वो चाहे बड़े भी हों, हर व्यक्ति जो है कर्जा लेकर जो है अपनी दुकानें चला रहा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो जो है अपने पैसे लगाकर जो है किसी भी दुकान को जो है वो चला पाए। बैंक जो है वो अपने कर्जे माफ़ नहीं कर रहे हैं, बैंक जो है जो या मकान मालिक हैं वो अपना किराया लेने के लिए हर महीने तैयार हैं, और बाज़ार में ग्राहक नहीं है। एक आम आदमी के लिए तो सरकार जो है ये कह देती है कि चलो जी हम राशन दे देंगे, लेकिन एक दुकानदार, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है समाज का, चाहे वो छोटा दुकानदार हो चाहे बड़ा दुकानदार हो, वो तो जाकर जो है सरकार के पास ये भी गुहार नहीं लगा सकता कि मेरे घर में जो है बच्चे जो हैं छोटे छोटे, उनको भी राशन की कमी है। सरकार को चाहिए कि हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, सरकार को जो है दुकानदारों के प्रति भी जो है कुछ इस तरह के नियम बनाने चाहिए कि दुकानदार जो हैं वो जो कर्जों के नीचे दबे पड़े हैं उनको भी सरकार जो है कोई किसी तरीके से, चाहे वो कैश के रूप में उनके अकाउंट में पैसा डालकर, और चाहे किसी भी तरीके से उनको भी जो है वो राहत प्रदान करे।